welcome to the yet another session on the subject computer networks the topic of today's discussion is introduction to network security the various network security threats and security services so in this session uh, we will be discussing the introduction to network security the various network security threats that can be categorized into two categories

एक पूरे का पूरा जो ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन का दैट इज बेसिकली यू नो फोर्स्ड बाय बाय अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सारी अब नेटवर्क पे आ रही हैं जैसे-जैसे ये नई सर्विसेज आ रही हैं वैसे-वैसे पॉपुलैरिटी -वैसे और इंक्रीज होती जा रही है लेकिन जैसे-जैसे ये नई सर्विसेज आ रही हैं उसी तरह से बिल्कुल उसी स्पीड के साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो आप याद कीजिए जो जब पहले इंटरनेट आया था तो वो बेसिकली यूज होता था ईमेल के लिए वी वर नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओवर द नेटवर्क तो तब जो हमारी नेट सिक्योरिटी थी तो वो हमें मेनली कंसंट्रेट करना पड़ता था ईमेल को सिक्योर करने के लिए उसके बाद इंफॉर्मेशन uh, का जो जो uh, साइज है वो इंक्रीज होने लगा फिर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को और ज्यादा डीपली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी लेकिन जैसे ही ये ऑनलाइन बैंकिंग uh, का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोगों ने ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिन जिनके जिनमें आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी पड़ती हैं तो इसने बहुत सारे नए सिक्योरिटी थ्रेड हैं जो पोज कर दिए अब नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली डील विद या एट मेजर्स आर नीडिड टू जो नेटवर्क सिक्योरिटी है ये इसका मेन पर्पज क्या है मेन पर्पज इज टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड टू गार्टी दैट डेटा ट्रांसमिशन आर ऑथेंटिक और इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अन इंटेंडेड एक्सेस हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अन इंटेंडेड एक्सेस से जिनके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है उनको एक्सेस देने से हमें उनको एक्सेस नहीं देना है तो जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेन थ्रेड्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को के तो हम इस इन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स को वी कैन डिवाइड दीज थ्रेड इनटू टू कैटेगरीज द फर्स्ट इज पैसिव थ्रेड्स एंड द सेकंड वन इज एक्टिव थ्रेड्स तो पैसिव थ्रेड्स में बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ऑल्टर नहीं होती कोई इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन नहीं होती अटैकर क्या करता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखता है या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है या उसके कॉन्टेंट को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो उस कॉन्टेंट को मॉडिफाई नहीं करता लेकिन पैसिव थ्रेड्स में क्या होता है कि कॉन्टेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है

कैसी इंफॉर्मेशन है कौन कौन कम्युनिकेट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन के कंटेंट क्या है बट द अटैकर विल नॉट ट्राई टू मॉडिफाई दैट और एक्टिव थ्रेट्स में क्या होगा द अटैकर वो क्या करेगा वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा एंड देन द अटैकर विल मॉडिफाई द कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन पैसिव थ्रेट्स दो तरह के हो सकते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कॉन्टेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस तो जैसे मैंने आपको बता दिया इन दोनों थ्रेड्स में क्या होता है कि अटैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है जो कंटेंट है आ, नो उसका उसका आइडिया लगाता है कि कंटेंट क्या है किस टाइप का है या क्या कंटेंट है उसको रीड करने का आ, काम करता है बट वो उसको मॉडिफाई नहीं करता लेकिन पैस, जो एक्टिव थ्रेड है उसमें मॉडिफाई करता है नाउ एक्टिव थ्रेड कैन बी कैटेगराइज इन फोर कैटेगरीज देट आर मेस्कुरेट रिप्ले मॉडिफिकेशन of the message content and denial of सर्विस तो अब हम वन बाय वन इन थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले हैं जी हमारे पास पैसिव थ्रेड्स तो एज आई टोल्ड यू आल्सो बिकॉज द अटैकर टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन जो अटैकर है वो क्या करता है वो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट uh, हो रहा है जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको ऑप्टेन करने की कोशिश करता है उसको लर्न करने की कोशिश करता है तो ये दो तरह की होती है रिलीज ऑफ मैसेज कॉन्टेंट द अटैक ट्राइज टू लर्न द कॉन्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन कॉन्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन कि एक्चुअली क्या ट्रांसमिशन uh, किस चीज की हो रही है और वो कंटेंट कैसा है उसका टाइप कैसा है या क्या कंटेंट है जो ट्रांसमिट हो रहा है द सेकेंड इज ट्रैफिक एनालिसिस कोशिश करता है कि इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस लोकेशन पे हो रही है कौन कौन कम्युनिकेशन कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी uh, है कम्युनिकेशन की जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी लेंथ कितनी है तो ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है क्योंकि इंक्रिप्टेड मैसेज होते हैं अटैकर कभी भी उनको रीड नहीं कर पाता उनको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता या कर भी सकता है इतना मुश्किल काम भी नहीं है लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस में बेसिकली हो क्या रहा है वो एनालाइज कर रहा है पूरे ट्रैफिक को द द द मैसेज दैट आर बीइंग एक्सटेंजेड द अटैकर ट्राइज टू एनालाइज द मैसेजेस तो अब उन उस सारी ट्रांसमिशन का वो एनालिसिस करेगा क्यों क्योंकि उसका मेन पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई हु हु इज कम्युनिकेटिंग ओवर द नेटवर्क फ्रॉम विच लोकेशन दे आर कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ होस्ट्स आर इन्वॉल्वड इन द कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन और जो उनके बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी लेंथ क्या है इन सारी ऑब्जर्वेशन से आप इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बहुत सारा आइडिया लगा सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन होगी किसके रिलेटेड मीन्स आप ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक को एनालाइज करके आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो कि आ, क्या कम्युनिकेशन हो रही होगी मतलब बेसिकली आप प्रोजेक्शंस कर सकते हो आप ट्रैफिक एनालिसिस करोगे एनालिसिस का डेटा लोगे और उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शन कर सकते हो कि किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही होगी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर

एक जो आ, एक अटैकर होता है सपोज कीजिए ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है ए बी के साथ अपनी कुछ इंफॉर्मेशन है जो वो आपस में शेयर कर रहे हैं अटैकर क्या करेगा रस्ते में आ जाएगा लाइक like दिस और वो ए को बोलेगा कि मैं बी हूं और ए की सारी इंफॉर्मेशन जो बी के लिए है वो उसको कैप्चर कर लेगा

वो यूजर की सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता रहेगा यहां पे और बाद में उसको रीप्ले कर देगा टू गेट द एक्सेस ऑन द अन इंटेंडेड रिसिपियट सो दिस टाइप दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रीप्ले द थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज सो नाउ व्हाट द अटैकर विल डू अब फिर से वैसे ही कम्युनिकेशन हो रही है ए और बी के बीच में नाउ सपोज कीजिए ए है जी यूजर फिर से बी है बैंक अटैकर आ गया बीच में तो एक ट्रांजैक्शन कर रहा है कि इस अकाउंट नंबर मान लीजिए अकाउंट नंबर एक्स वाई जी अकाउंट नंबर पे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर करने हैं उसने बैंक में से तो अटैकर क्या करेगा मैसेज को कैप्चर करेगा अकाउंट नंबर चेंज करके अपना कर दिया और उसको ट्रांसमिट कर दिया टूवर्ड्स बैंक मतलब मैसेज को कैप्चर करा उसको करा और फिर उसको भेज दिया फोर्थ टाइप ऑफ ऑफ एक्टिव इज कॉल्ड सर्विस तो इसका मेन पर्पज होता है रिसोर्सेज uh, की अवेलेबिलिटी को ब्लॉक करना फॉर द इंटेंडेड यूजर्स जो यूजर एक्ट एक्चुअल में एक्सेस करना चाह रहे होंगे रिसोर्सेज को दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट अब ये क्या चीज हो गई आप सपोज कीजिए फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं ए इज द यूजर मान लीजिए बी फिर से एक बैंक वेबसाइट है नाउ ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद द बी अब जो बी का होगा वो सर्वर है ऑबवियसली एंड ए इज द क्लाइंट तो हर सर्वर की अपनी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है पर सेकेंड और इसी तरह से जो कम्युनिकेशन लिंक है उसकी भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है पर यूनिट ऑफ टाइम तो अब अटैक कर क्या करेगा फिर से वो क्या करेगा या तो वो बी पे इतनी रिक्वेस्ट भेज देगा कि उसके रिक्वेस्ट हैंडल करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो अपने वो फुल हो जाए अगर ए उसके बाद रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि रिक्वेस्ट क्यू ऑलरेडी फुल होगी तो ए की रिक्वेस्ट अपने आप ड्रॉप हो जाएगी अब जो ए है इट द नो इंटेंडेड यूजर जो बी की सर्विसेज को यूज करना चाहता है लेकिन अटैकर ने बी की सर्विसेज को पूरा उसकी सर्विस क्यू को फुल कर दिया और वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ए के लिए डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा या अटैकर क्या करेगा जो इस नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो डुप्लीकेट पैकेट भेज के भेज भेज के इस नेटवर्क की बैंडविड्थ को पूरा फिल कर देगा जैसे ही ए अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा क्योंकि बैंडविड्थ वहां पे उसके लिए uh, कोई गुंजाइश नहीं होगी टू ट्रांसफर द मैसेज ऑटोमेटिकली ए की जो रिक्वेस्ट है इट विल बी ड्रॉप तो अब जो ए जो लीगल यूजर है जो इंटेंडेड यूजर है ऑफ द बैंक बी ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद द बैंक बी

अब पॉइंट ये है कि आ, हमें पता चल गया कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अब पॉइंट ये है कि इन थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास सर्विसेज कौन कौन सी हैं तो अब इन थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास पांच मेन सर्विसेज हैं द फर्स्ट सर्विस इज कॉल्ड मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी सेकेंड इज कॉल्ड मैसेज इंटेग्रिटी द थर्ड इज मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड फोर्थ इज कॉल्ड मैसेज नॉन डेप्यूडेशन एंड फिफ्थ इज अंटिटी सर्विस दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन अब अगर आप ध्यान से देखो इन पांच में चार जो है वो मैसेज रिलेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और जो एक है आपकी फिफ्थ वन दट इज फॉर द एंटिटी तो ब्रॉडली आप नेटवर्क सर्विसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो मैसेज बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड एंटिटी बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज मैसेज बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज में आपके पास है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटेशन और एंटिटी बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस में आपके पास है ऑथेंटिकेशन तो चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन नॉन रेप्यूडेशन और एंटिटी ऑथेंटिकेशन ये Uh, किस तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और किन चीजों से uh, एक यूजर को प्रोटेक्ट करती है या नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है सो द फर्स्ट सिक्योरिटी सर्विस इज कॉल्ड मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी सो द मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी मींस द कंटेंट ऑफ अ मैसेज व्हेन ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल कि सेंडर से रिसीवर जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ है वो जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए मतलब किसी और को पता नहीं चलना चाहिए तो ओनली द इंटेंडेड रिसीवर एंड नो वन एल्स शुड बी एबल टू रीड द मैसेज मैसेज आपका कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए मींस अगर ए ने मैसेज भेजा है फॉर यूजर बी तो उसको सिर्फ क्योंकि इंटेंडेड अब रिसीवर कौन है बी सिर्फ ए ने जो मैसेज भेजा है वो बी को ही पता होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए रस्ते में उसको और कोई पढ़ ना सके तो अब आ, इस मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने के लिए हम सिक्योरिटी सर्विस कौन सी यूज करते हैं इसमें हम यूज करते हैं इनक्रिप्शन या आ, अगर हम बोल दें कि क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी इज द टेक्निक दैट मेक्स या मेंटेन्स द कॉन्फ़िडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज की कोई और जो नो अन इंटेंडेड यूजर है अन इंटेंडेड रिसीवर है ही शुड नॉट बी एबल टू रीड द मैसेज और आप उसको कैसे रोक सकते हो सर उसको रोक सकते हो बाय यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी तो मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद हो गया मैसेज इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कोई रीड ना कर सके इंटेग्रिटी का मतलब है कि कोई मैसेज को ऑल्टर ना कर पाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली डील्स विद द विद द नो कोई जो अन इंटेंडेड यूजर है मैसेज और मैसेज इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन आपका जो मैसेज है वो विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन रिसीव होना चाहिए और अब ये जो ऑल्ट्रेशन है इट शुड नॉट बी डन एक्सीडेंटली और नो और इंटेंशनली कि मैसेज इंटेग्रिटी आपने दोनों केसेस में बना के रखनी है ये ना हो कि इंटेंशनली uh, कोई करना चाहे तो वो ना कर पाए लेकिन एक्सीडेंटली कोई ना कोई ऐसा लूप होल रह जाए कोई ऐसी प्रोविजन रह जाए कि एक्सीडेंटली वो हो जाए तो मैसेज चाहे वो एक्सीडेंटल हो चाहे वो नो uh, इंटेंडेंट no, uh, हो इंटेंशनल हो हमें उन दोनों से बचना है अब इस मैसेज uh, इंटेग्रिटी के लिए हम कौन सी सर्विस को यूज करते हैं द सर्विस दैट इज यूज इज कॉल्ड चेकसम तो चेकसम के लिए हम मैसेज डाइजेस्ट वगैरह फंक्शन जो है वो यूज करते हैं ताकि आपका मैसेज ऑल्टर ना हो सके और अगर ऑल्टर हो जाए तो रिसीवर को पता चल जाना चाहिए कि ये रस्ते में ऑल्टर हो चुका है तो पहली तो हमारी कोशिश यही होगी अगर हम मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इफ ए हैज सेंट द मैसेज टू बी नोबडी शुड बी एबल टू रीड द मैसेज बट अगर किसी ने रीड कर लिया है वो बी को पता चल जाना चाहिए कि ये रीड हो चुका है और दूसरी सर्विस क्या है मैसेज इंटेग्रिटी इट मींस जो मैसेज ए ने बी को भेजा है वो अनऑल्टर्ड बिना किसी ऑल्ट्रेशन के बी तक पहुंचना चाहिए हाँ अगर वो नहीं पहुंचता अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुई है तो बी को पता चल जाना चाहिए कि मैसेज के साथ कुछ छेड़खानी हुई है एंड सम ऑल्ट्रेशन बीन परफॉर्म ऑन द मैसेज थर्ड इज मैसेज ऑथेंटिकेशन तो मैसेज ऑथेंटिकेशन में means अब हमें रिसीवर जो है उसको मैसेज करना, करना है वो अपनी पहले अपने आप को करे कि इंटेंडेड यूजर हाँ अब वो कैसे हो सकता है या तो वो कोई ऐसी secret की आपस में दोनों शेयर करें ये जो है आ, वो बता दे एक मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजे है ना और बी उस मैसेज को तभी खोल पाए अगर उसके पास वो या सीक्रेट की हो या उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर्स भी यूज कर सकते हैं या हम थर्ड पार्टीज आ, आ, के सर्टिफिकेट्स भी यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर की जो बी है इंटेंडेड फोर्थ इज मैसेज नॉन रेप्यूडेशन तो अब तक तो हम ये सोच रहे हैं कि जी ए ने बी को मैसेज भेजा है मैसेज को कोई रीड ना कर पाए कोई ऑल्टर ना कर पाए बी अपने आप को प्रूव करे रिसीवर अपने आप को प्रूव करे कि वही है जिसने मैसेज जिसने वो वही है जो इंटेंडेड सीपीएं है मैसेज का लेकिन अब तक हमने ये नहीं देखा अगर किसी गलत बंदे ने मैसेज भेज दिया वो मैसेज एक्चुअली ए ने भेजा नहीं है वो किसी और ने भेजा है तो बी ने उस पर यकीन कर लिया उसको पता चल गया कि ये ना ये कॉन्फिडेंशियल भी है इंटेग्रिटी भी है इसके पास की भी है उसको पढ़ने के लिए लेकिन वो मैसेज ए ने भेजा ही नहीं है ए को तो हमने वेरीफाई नहीं किया ना ऑथेंटिकेशन में हमने बी को वेरीफाई किया अब सेंडर को वेरीफाई करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैसेज नॉन रेप्यूटेशन

और uh, ऑथेंटिकेशन uh, भी यूज करते हैं ताकि ए uh, अपनी की के साथ इनक्रिप्ट करे और बी अपनी की के साथ डिक्रिप्ट करे तो दोनों की ऑथेंटिसिटी हो जाए द फिफ्थ इज एंटिटी ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिटी एंटिटी ऑथेंटिकेशन में यूजर को अपनी ऑथेंटिसिटी uh, जो है वो प्रूव करनी पड़ती है यूजर को प्रूव करना पड़ता है कि वही इंटेंडेड यूजर है तो उसके लिए हम वाइडली uh, जो हमारे पास सर्विस है और है, ये हम चलते हैं कि इंटेंडेड यूजर तो अब पासवर्ड भी बहुत ज्यादा ब्रेक होने लगे तो बैंकिंग में ये भी बहुत सारे फिर स्कैम uh, स्टार्ट हो गए क्योंकि पासवर्ड को क्रैक करना या और चीजें वो इतना मुश्किल काम नहीं था तो फिर उसमें एक लेयर सिक्योरिटी की और ऐड कर दी गई जिसको हम बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड ओ जो आपको आपकी मेल पे आता है या फोन नंबर पे आता है तो वो एक एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है एंटिटी ऑथेंटिकेशन में क्योंकि हो सकता है कि पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया हो लेकिन ईमेल और फोन जो है वो अभी भी लीगल यूजर के पास ही हो तो आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड अपनी प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं फिल करना पड़ता आपको ओ भी फिल करना पड़ता है दैट बेसिकली डिलीवर्ड ऑन योर ई मेल और ऑन योर सेल फोन सो दीज आर द वेरियस सिक्योरिटी सर्विसेस तो आज हमने डिस्कस करा कि नेटवर्क सिक्योरिटी uh, का कॉन्सेप्ट क्या है वट आर द वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वट आर द वेरियस नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेस आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग Have a very nice day. See you in the next session. Thanks a lot for joining.